माफ करना आजाद होने के लिए और शक्तिशाली बनने के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीका है। इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में पिछले 39 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। माफ करना और खुद को और लोगों को माफी मांगना, ये बहुत बड़ी बात होती है। लोगों का ईगो बहुत बीच में आता है, लोग माफी मांगते नहीं है। हालांकि आप माफी मांग लेंगे तो बहुत बड़े बड़े जो झगड़े हैं वो खत्म हो जाएंगे, मगर नहीं, माफी मांगेंगे नहीं। मैं सही था, मैं गलत नहीं था, ऐसा लोग बोलेंगे और माफी नहीं मांगेंगे। वैसे माफ करना है, किसी को माफ करना ये बहुत बड़ी कलाकारी है, ये बहुत बड़ी बात होती है किसी को माफ करना। क्या होता है जब हम माफ करते नहीं है, मतलब किसी ने कुछ किया हुआ है, अब मैं खुन्नस पकड़ के बैठा हूँ कि नहीं नहीं मैं तो एक दिन बदला लूंगा, ये मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, तो लग रहा है कि नहीं नहीं उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत अत्याचार किया, मैं तो एक ना एक दिन तो उसका बदला लेने वाला हूँ, मैं माफ नहीं करूँगा। हो सकता है वो दोस्त हो सकता है कोई आपका रिश्तेदार हो सकता है माँ बाप, दादा दादी, चाचा, बहुत क्लोजली रिश्तेदार हो, कि आपको लगता है कि नहीं नहीं मैं इनको माफ़ नहीं करूँगा। हो सकता है कि आपके टीचर हो जिन्होंने आपको मारा है। तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में, आपके अतीत में आए हो कि जिनके खिलाफ आप कुछ ना कुछ पकड़ के बैठे हो। होता क्या है कि इसमें जब हम कुछ ना कुछ दिमाग में पकड़ के बैठे हैं, जो विचार पकड़ के बैठे हैं, तो हम बिना किराए की जगह उनको, बिना पैसे की जगह, बिना किराया नहीं मिलता है, जगह अपने ब्रेन में देते हैं। अभी होता क्या है कि वो किरकिर किरकिर कीड़ा कांडी दिमाग में चालू रहती है, हमारी एनर्जी सक हो जाती है और फिर हमको समझता नहीं कि हम थक क्यों जाते हैं शाम को, क्योंकि दिमाग में चालू रहता है, विचार चालू रहते हैं, कुछ ना कुछ उसके बारे में पीछे एट द बैक ऑफ द माइंड चालू रहता है। आज मैं इसलिए आपको बताने वाला हूँ कि भाई लोगों को माफ करो, आपकी सभी बीमारियाँ निकल जाएंगी। हो सकता है कि आपको बैकएक है, आपको माइग्रेन है, आपको हेडेक है, आपको पेट का प्रॉब्लम है, आपको खुजली है, जो भी कुछ है, तो आप लोगों को माफ करो। ऐसा बोला जाता है कि फर्स्ट साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट कौन थे, नेल्सन मंडेला। वो जब जेल में थे, काफ़ी साल जेल में उन्होंने बिताया, जेल के जो अधिकारी थे, जेलर थे, उन्होंने उनके ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए। जेल में से जब बाहर आ गए, वो प्रेसिडेंट बने, पहले प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के। जब वो विजिट देने जेल में गए, जो जेल में वो थे जिन्होंने अत्याचार किया था, उनके सामने उन्होंने बोला कि मेरे ऊपर जो अत्याचार हुआ, मैं आप सभी को माफ़ कर रहा हूँ, मुझे बदला लेने का नहीं है। कितना बड़ा दिल लगता है इसके लिए, किसको भी माफ़ करना है। तो ऐसा बोला जाता है कि जब आप माफ़ करते हैं तो प्यार आता है, और प्यार जो है ये बहुत ही शक्तिशाली, मतलब शक्तिशाली ऐसी ताकत है कि कोई भी जख्म उससे भर जाएगी। आप किस चीज़ के लिए लोगों को माफ़ करना चाहते हो, आप किस चीज़ के लिए अपने आप को माफ़ करना चाहते हो। हो सकता है उसने जो भी किया वो सही नहीं किया, उसने वो किया वो करना नहीं चाहिए था, आप सही थे वो गलत था, मगर तभी भी आप जो व्यक्ति के बारे में दिमाग में चालू हुए विचार, उसको माफ़ कर दो, सही से दिमाग से मन से उसको माफ़ करो। आपको प्यार आ जाएगा, आपकी बीमारियां निकल जाएगी, आप खुद को भी माफ़ करो। हो सकता है कि जो भी अतीत में हुआ है उसके लिए हम अपने आप को कोसते हैं, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था, कोई गलती की होंगी उसके लिए अपने आप को कोसते हैं, कोई गलती किया उसके लिए अपने आप को पनिशमेंट देते हैं, शिक्षा देते हैं, तो वो न करते हुए भाई याद करो कि भाई ऐसे कौन सी चीज़ है कि जिसके लिए मैंने अपने आप को माफ़ नहीं किया, कौन सी चीज़ है कि लोगों को मैंने माफ़ नहीं किया, माफ़ कर दिया। लोग बोलते नहीं मैं माफ़ नहीं कर सकता हूँ, इम्पॉसिबल, माफ़ तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, मैं बोलता हूँ हरकत नहीं, माफ़ नहीं कर सकते, अपना विलिंगनेस तो बताओ कि यस मुझे इच्छा है माफ़ करने की, अपने आप को लोगों को मैं माफ़ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, मगर मेरी इच्छा है मैं करूँगा माफ़। कम से कम एक कदम आप आगे बढ़ गए, तो डेफिनेटली आप जब माफ़ करते हैं अपने आप को और लोगों को, तो आपकी आधी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी, आपको बहुत सुख से नींद आएगी, शांति से नींद आएगी, आपको एनर्जेटिक लगेगा, एंथुजियास्टिक लगेगा, आपके रिश्ते लोगों से अच्छे हो जाएंगे। जो खुन्नस पकड़ के बैठे हैं ना, वो एक बार निकल गई तो बहुत फ्रीडम आपको मिलेगा, ताकत मिलेगी। आपने इतना ही लिखना है आज, अभी कागज़ पेन लो और लिखो कि आई चूज़ टू फॉरगिव, आई चूज़ टू फॉरगिव, मैं माफ़ करना इसका चुनाव कर रहा हूँ। मैं किसको माफ़ करना चुनाव कर रहा हूँ, मैं डैश करो माफ़ करने का चुनाव कर रहा हूँ, और मैं के बाद में डैश वहाँ लिखो ये व्यक्ति का नाम, उसको माफ़ करने का मैं चुनाव कर रहा हूँ। वो खुद हो सकता है और कोई व्यक्ति हो सकता है। तो इतना आप करते हैं, डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी खुशी से भर जाएगी, दिमाग हल्का हो जाएगा। दिमाग में फिर लोग बोलते हैं कि मुझे याद नहीं आ रहा है, नींद नहीं आ रही है, बहुत ही ओवर थिंकिंग है, सब निकल जाएगा और आपको फ्रीडम मिलेगा,
आज़ादी से आप जीवन जीना चालू करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।